अब देवताओं का क्या बिगड़ता? यहां तक स्थिति आई कि देवराज इंद्र ने अपने वज्र की चोट से राजा बलि को मार मारा। देवर्षि नारद जी गए, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी गए, देवताओं को समझाया, देखो भगवान ने यदि कृपा की है तो उस कृपा का दुरुपयोग मत करो, ये समय है, आज तुम्हारा अच्छा है कल उनका अच्छा जाएगा। युद्ध बंद करा दिया। लेकिन बंधु एक बात समझना, जो गुरु शुक्राचार्य जी को विद्या आती थी वो किसी को नहीं आती थी। मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करना जिसको कहते हैं मृत संजीवनी विद्या। अपनी विद्या के द्वारा गुरु बृहस्पति गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को जीवित कर लिया। जो इनके शिष्य थे दैत्य जो मारे गए उनको जिंदा किया। पराजित श्री रविशिष्यापितो इंद्रेण राजन भृगुभिः सजीविता। अब राजा बलि प्रसन्न हो गया, गुरुजी को जो भी राज्य की संपत्ति समर्पित कर दी। तो गुरुजी प्रसन्न होकर के बोले बेटा चाहते क्या हो? तो राजा बलि ने कहा मैं कई बात चाहते हैं। क्या? जिन देवताओं ने हमारे सैतेले भाइयों ने हमें मरा हुआ छोड़ा उनसे विजय। तो गुरु शुक्राचार्य जी बोले एक यज्ञ करना पड़ेगा जिस नाम यज्ञ का नाम है विश्वजीत। ठीक है करेंगे। विश्वजीत नाम का यज्ञ हुआ और यज्ञ की जब पूर्णाहुति हुई तो पूर्णाहुति के दिन सोने की चद्दर से मड़ा हुआ रथ निकला। तूणी तरकस कवच कुंडल धनुष बाण वो राजा बलि को दिया। राजा बलि रथ पर बैठा, धनुष बाण कंधे में डाल करके अमरावती पुरी देवलोक पहुंचा और इसने देवताओं को ललकार लगाई। पहले तुमने हमें मरा हुआ छोड़ा था, अब हिम्मत हो तो हमसे युद्ध करो। और जैसे ही देवताओं ने देखा राजा बलि का तेज, इसे तो हम मरा छोड़ करके आए थे, अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछने लगे गुरुदेव अब क्या करें। बृहस्पति जी महाराज देवताओं से बोले देखो भाई युद्ध करोगे तो हारोगे, समय तुम्हारा विपरीत है, इस समय राजा बलि के ऊपर यज्ञ भगवान की कृपा है, कर लो बेटा संतुलन मत खो अपना आराम से कर लो, हम गुस्से हैं थोड़ी, लोग समझते हैं, ठीक है ना, तुम संतुलन नहीं आराम से करो, अभी तो हमारी रपेट होते माई माई से भी और आराम से उसको। गोपाल गोपाल रे प्यारे प्यारे नंद हरि बोल प्यारे